नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? आप सबने होमवर्क किया अपना? किया कि नहीं किया? यस, वेरी गुड, सबने किया ना? यस। अब मुझे ये बताओ, आप कौन कौन से फेस्टिवल त्योहार मनाते हो? यस, दिवाली, यस, होली, और बताओ, ईद, और दिवाली, होली, ईद, अलग अलग त्योहार मनाते हो? और क्या मनाते हो? बैसाखी, यस, वेरी गुड। ठीक है, सबका आपका सबका कोई ना कोई फेवरेट त्योहार होगा। किसी को होली पसंद होगी, किसी को दिवाली पसंद होगी, है ना? यस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, होली कैसे मनाते हो आप सब लोग? यस, एक दूसरे को रंग लगाते हो होली पर, यस, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हो, यस, पानी डालते हो, ऐसे मनाते हो ना होली? कब मनाते हैं? फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है ना? यस, होली के दिन हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाई बनाते हैं घर में। कौन सी मिठाई बनाते हैं? गुजिया बनाते हैं, यस, और एक दूसरे के घर जाते हैं, रंगों से होली खेलते हैं, है ना, और उनको होली की बधाई देते हैं, ऐसे मनाते हैं ना हम होली? यस। और क्या करते हैं? यस, बताओ, एक दिन पहले होली क्या करते हैं? होलिका जलाई जाती है ना? एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन हम रंगों से होली खेलते हैं। यस, वेरी गुड। चलो आज हम पाठ चार कविता होली आई पढ़ेंगे, ठीक है? क्या, कौन सी कविता है? होली आई। तो पहले हम इसका उच्चारण अभ्यास करते हैं। बच्चों बच्चों, टोली टोली, पिचकारी पिचकारी, गुलाल गुलाल, पकवान पकवान, खुशबू खुशबू, गुजिया गुजिया, द्वेष द्वेष। अब मैं कविता पढ़ती फिर आपको समझाऊंगी। होली आई सब बच्चों की टोली आई, होली आई सब बच्चों की टोली आई, रंग उड़ाती होली आई सब बच्चों की टोली आई, रंग उड़ाती होली आई सब बच्चों की टोली आई, भर पिचकारी कोई चलाए, कोई रंग गुलाल लगाए, कोई रंग गुलाल लगाए, कोई ढमाढम ढोल बजाए, कोई ढमाढम ढोल बजाए, हर कोई झूमे नाचे गाए, हर कोई झूमे नाचे गाए, पकवानों की खुशबू उड़ती, भुजिया होया चाहे इमरती, सबने मिलकर जमकर खाई, होली आई होली आई, रंगों के संग प्यार बनाए, एक दूजे को गले लगाए, रहे द्वेष ना मन में भाई, होली आई होली आई होली आई होली आई। एक बार मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? होली आई होली आई होली आई सब बच्चों की टोली आई, सब बच्चों की टोली आई, रंग उड़ाती होली आई सब बच्चों की टोली आई, रंग उड़ाती होली आई सब बच्चों की टोली आई, भर पिचकारी कोई चलाए, कोई रंग गुलाल लगाए, भर पिचकारी कोई चलाए, कोई रंग गुलाल लगाए, कोई ढमाढम ढोल बजाए, हर कोई झूमे नाचे गाए, कोई ढमाढम ढोल बजाए, हर कोई झूमे नाचे गाए, पकवानों की खुशबू उड़ती, गुजिया हो या चाहे इमरती, पकवानों की खुशबू उड़ती, गुजिया हो चा हो या चाहे इमरती, सबने मिलकर जमकर खाई, होली आई, रंगों के संग प्यार बढ़ाए, एक दूजे को गले लगाए, रहे द्वेष ना मन में भाई, होली आई, ठीक है? अब मैं आपको समझाती हूँ। होली आई, क्या आई? होली आई, सब बच्चों की टोली आई, मतलब कि सब बच्चे ग्रुप में समूह में होली मना रहे हैं, ग्रुप में समूह में घूम रहे हैं, रंग उड़ाती होली आई सब बच्चों की टोली आई, सब बच्चे अपनी टोली में रंग उड़ा रहे हैं, होली आई और होली मना रहे हैं,
भर पिचकारी कोई चलाए। कोई कैसे बनाता है होली? यस, पिचकारी में पानी भरकर चलाता है, कोई रंग गुलाल लगाए और कोई रंगों से होली बनाता है ना, गुलाल लगाते हैं, ठीक है। कोई ढमाढम ढोल बजाए, कोई ढमाढम ढोल बजाता है, हर कोई झूमे नाचे गाए, और हर तरफ हर कोई झूम रहा है नाच रहा है। पकवानों की खुशबू उड़ती, किसकी पकवान क्या होते हैं? विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ। पकवानों की खुशबू उड़ती, खुशबू क्या होती है? सुगंध। पकवानों की हर घर में से खुशबू उड़ रही है, भुजिया हो या चाय इमरती हो, क्या बना रहे हैं? भुजिया। भुजिया क्या होती है? एक तरह की मिठाई होती है, खाते हो ना आप सब होली में? यस, सबने मिलकर जमकर खाई, और सब मिलकर क्या खाते हैं? भुजिया खाते हैं। होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, रंगों के संग प्यार बढ़ाए, सब रंग लगा के एक दूसरे से प्यार बढ़ा रहे हैं। साथ, संग का क्या मतलब होता है? साथ, एक दूजे को गले लगाए और एक दूजे को गले लगा रहे हैं। रहे द्वेष ना मन में भाई, द्वेष क्या होती है? कोई भी मतलब आपस में भेदभाव की भावना, लड़ाई, जो आपस में गुस्सा होते हैं एक दूसरे से, है ना, दुर्भावना, चिड़न, वो आपस में होली वाले दिन सब एक दूसरे से भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं, है ना, एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली आई, होली आई, एक बार दोबारा पढ़ा दूं, ठीक है। होली आई, सब बच्चों की टोली आई, होली आई है और सब बच्चे टोली में घूम रहे हैं, समूह में घूम रहे हैं। रंग उड़ाती होली आई, होली कैसे आई है? रंग उड़ाकर, सब बच्चे समूह में रंग उड़ाकर खेल रहे हैं। भर पिचकारी कोई चलाए, कोई पिचकारी चलाकर खेल रहा है, कोई रंग गुलाल लगाकर खेल रहा है, ठीक है, और कोई ढमाढम ढोल बजा, और कोई क्या कर रहा है? ढमाढम ढोल बजा रहा है, और हर कोई झूमे नाचेगा, हर कोई इसमें झूम रहा है नाच रहा है। पकवानों की खुशबू उड़ती, गुजिया हो या चाहे उमरती, इसमें क्या उड़ रही है? किसकी खुशबू उड़ रही है? पकवानों की। पकवान क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ। पकवानों की खुशबू उड़ रही है, कौन से पकवान बन रहे? गुजिया और इमरती। सबने मिलकर जमकर खाई, सबने मिलकर क्या खाई? गैस, गुजिया और इमरती। रंगों के संग प्यार बढ़ाए, एक दूजे को गले लगाए, सब एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं, आपस में प्यार को बढ़ा रहे हैं, आपस में अपना द्वेष की भावना को छोड़कर होली का त्योहार मना रहे हैं, ठीक है। हमें इस दिन एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और आपस की जो भी आपका गुस्सा है उसे भूलकर एक दूसरे को गले लगाना चाहिए और उनको रंग लगाना चाहिए, आपस में गले मिलना चाहिए, ठीक है। अब एक बार मैं आपको इसके शब्द अर्थ बता देती हूँ, ठीक है, फिर हम शब्द अर्थ बनाकर बताती हूँ। शब्द अर्थ करते हैं टोली। टोली का अर्थ क्या होता है? समूह। टोली का क्या अर्थ होता है? समूह। गुलाल, अबीर, होली में प्रयुक्त होने वाला रंग। गुलाल क्या है? होली में प्रयुक्त होने वाला रंग। पकवान, विभिन्न खाद्य पदार्थ। पकवान, विभिन्न खाद्य पदार्थ। खुशबू, सुगंध, खुशबू, सुगंध। गुजिया, एक तरह की मिठाई, गुजिया, एक तरह की मिठाई। संग, साथ। दुर्भावना, चिड़न, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, टोली, टोली का क्या अर्थ होता है? समूह, यस। गुलाल, होली में प्रयुक्त होने वाला रंग। गुलाल, होली में प्रयुक्त होने वाला रंग। पकवान, विभिन्न खाद्य पदार्थ। पकवान, विभिन्न खाद्य पदार्थ। खुशबू, सुगंध, खुशबू, सुगंध। गुजिया, एक तरह की मिठाई, गुजिया, एक तरह की मिठाई। संग, साथ, संग, स्वासाथ। द्वेष, चिड़न, दुर्भावना, द्वेष, चिड़न, दुर्भावना, ठीक है बेटा, आ गया सबको समझ। अब आपको मैं गृह कार्य होमवर्क देती हूँ। आपको होमवर्क क्या है? आपको होली के ऊपर 5 पंक्तियाँ लिखनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं दे रही हूँ मैं, होली के त्योहार पर 5 पंक्तियाँ लिखो, ठीक है, दोबारा सुन लो, होली के त्योहार पर 5 पंक्तियाँ लिखो, ठीक है बेटा, सबने करना है होमवर्क। होली के त्योहार पर 5 पंक्तियाँ लिखो, होली के त्योहार पर 5 पंक्तियाँ लिखो, ठीक है बेटा, धन्यवाद।